हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। और StudyIQ के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स, जो हमारा सेट है 15। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है लोहड़ी और जो है मकर संक्रांति सेल चल रही है, और इसमें जो है मेरा GS कोर्स लॉन्च हो चुका है। और आप इसके अंदर एक लिंक मिलेगा आपको, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए और ऐप खुल जाएगी आपकी, और वहाँ पे आप VIP 500 देके जो है इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है बहुत सारे बच्चों ने इसको परचेज कर लिया है, बहुत सारा इसको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स की ज़रूरत है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स में मैंने बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें कवर करी हैं, और ये कूपन जो वैलिड है वो 15 जनवरी 2020 तक है। बाकी आप मुझे फेसबुक के ऊपर विपन गोयल और इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपन गोयल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट भेजना है तो आप मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, vipan.studyiq@gmail.com। पहले आप भेजते थे, पहले जब भी आप डाउट भेजते थे तो vipan.studyiq@gmail.com पे भेजते थे, तो अब यहाँ पे मैंने डाउट्स अलग से एक ईमेल आईडी बनाई है। अगर आप पेड यूज़र्स हैं, आप पेड यूज़र्स हैं तब भी, और अगर आप नॉर्मल वीडियोस देखते हैं, फ्री वीडियोस देखते हैं तब भी, अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना डाउट सेंड करें। और ये है टेलीग्राम का ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर, सारे वीडियोज़ यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। और देखते हैं जी, आज हमारे लेक्चर में सारा सबसे पहला फैक्ट क्या है। आप हैरान मानेंगे कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल, दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल, इसमें एक लेटर जो है अपीयर नहीं होता, बाकी सारे लेटर अपीयर होते हैं। वो कौन सा लेटर है? वो है लेटर जे। जे लेटर कुछ भी नहीं, आप देख रहे होंगे कहीं पे भी जे लेटर नहीं है, बाकी सारे लेटर हैं, ए टू लेके जेड तक सारे लेटर हैं, लेकिन जे लेटर इसमें से कहीं पे भी नहीं है। सो दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट इन पीरियोडिक टेबल, जे लेटर इज़ नॉट इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है, आप जानते होंगे, ये तो आपको मैंने पहले भी शायद बताया है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वाटर के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर हम क्रस्टल अबंडेंस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है पहले नंबर पे आता है 46%, देन सिलिकॉन आता है 27.7%, और एल्युमिनियम इज़ द मेटल, सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट मेटल है वो एल्युमिनियम है। दूसरे नंबर पे आयरन आती है, जो मेटल में आती है। तो ये 3-4 याद कर लो, बहुत है आपको, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये ओशल फिकाना वर्ड याद करना है, याद होगा आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ओशियल फिकाना, ये वर्ड मैंने आपको बताया था। ओ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, तो ये सारे यहां पे आपके 6 के 6 याद हो जाएंगे। और यहां पे आप देखिए जो साउंड है वो ट्रेवल करती है चार गुना ट्रेवल करती है वाटर के अंदर देन द एयर। विंड एंड वाटर जो होते हैं ये अर्थ के ऊपर इरोजन करते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर इरोजन का मतलब ये होता है कि अर्थ को जो है लाइक जो ऊपर वाली लेयर है अर्थ की वो निकाल देते हैं, जिसके कारण सैंड और रॉक्स पार्टिकल बहुत सारे मूव कर जाते हैं और माउंटेन्स वगैरह और बहुत सारे न्यू स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे बनते हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर याद रखना है कि जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, क्रस्ट में, वाटर में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म की बात हो रही है। अगर उन्होंने पूछा गैस, तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, आपको ये फैक्ट पता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर एलिमेंट, वाटर के अंदर एलिमेंट, अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट, वो कौन सा है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन आता है। नेक्स्ट फैक्ट आप देखिए क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स के अंदर अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड ये जो है क्रिएट किया गया था आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग जब हुआ था बहुत सारा जो पूरा का पूरा जो है यूनिवर्स फट गया था और बाद में स्टार्स, क्लाउड्स वगैरह बने थे, तो ये सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंट एलिमेंट मिला था। द रीज़न बीइंग, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन कितनी है? 75% है, और बाकी 24% हीलियम है, और 1% जो है अदर एलिमेंट्स आते हैं। जो हीलियम है वो भी एक एलिमेंटल फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ गैस,
एंड दैट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय द टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हीलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से और हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट इज हीलियम। जब भी हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब ऐड होते हैं तो ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो होता है कौन सा रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी कि नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण जो स्टार्स हैं, स्टार्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होती है और दूसरे नंबर पे हीलियम होती है। तो ये याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स के अंदर कौन सा है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, आप हैरान मानेंगे कि ये जो गिलास है, गिलास के अंदर आप पानी डाल दो, आप हल्का हल्का नमक इसके अंदर डालो, तो आप देखेंगे कि जो पानी का लेवल है ना, वो क्या करता है, नीचे चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप नमक डालते जाएंगे, पानी का लेवल नीचे चला जाता जाएगा। ये आप हैरान मानेंगे, करके देखना आप घर पे, ठीक है। देखिए क्या है, इफ़ यू स्लोली पोर ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इन टू ए टोटली फुल ग्लास ऑफ वाटर, इट विल नॉट ओवरफ्लो। पूरा गिलास भर दो, उसमें नमक डाल दो, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि पानी बाहर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल जो है नीचे चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत नीचे चला जाएगा। रीजन बीइंग, क्यों, क्योंकि नमक जो है, नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब नमक जो को तोड़ते हैं तो सोडियम आयन Na प्लस क्लोराइड आयन Cl बन जाता है, और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर जो टूटता है वो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। O2 नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव वाला पार्ट आता है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला पार्ट जो है क्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है सोडियम के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। कहने का मतलब सोडियम पॉजिटिव आयन जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स के, और क्लोराइड आयन जो हैं ये अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल के। कहने का मतलब ऑपोजिट रिएक्ट कर जाते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पानी और सॉल्ट की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट आयन जो होंगे वो अट्रैक्ट करके बैठ जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉल्ट और वाटर की कम हो जाती है, जिसके कारण वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का कम हो जाता है। दिस इज अ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट इन टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ पे है, ये अंडेमान निकोबार आइलैंड में। तो यहाँ पे जिसे पहले आप क्या कहते थे, काली पानी की सजा, जब भी कोई भी किसी पर्सन को बहुत कड़क सजा देनी होती थी पुराने टाइम पे, तो यहाँ पे इसको भेज देते थे, और यहाँ पे बहुत सारा पेन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, डर लगता था लोगों को कि हाँ मुझे बस काला पानी की सजा ना हो। और नॉर्मल भाषा में जब भी किसी को बोलते हैं हम, तो काला पानी वर्ड यूज़ कर देते हैं कि काले पानी की सजा मिलनी चाहिए इसको। तो रीज़न क्या होता है कि सेलुलर जेल है ये अंडेमान में, क्योंकि अलग ही इलाके में जाके है, कोई भी जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत सारी कम होती थी, बहुत सारी पेन कंडीशंस देखने को मिलती थी, बहुत मतलब पर्सन बहुत डर में रहता था इस जेल को सुन के। बट बाद में इस जेल को हमने मतलब इस जेल को ख़त्म कर दिया गया और इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट्स की तरह इसको जो है हम ट्रीट करने लग गए। तो ये देखते हैं क्या है, सेलुलर जेल ये कहाँ पे है, ये अंडेमान में है, और इसका दूसरा नाम क्या है, काला पानी जेल है। और इसका नाम सुनते ही एयर के अंदर ऑब्वियसली बात है, हमें सुनते ही ये डर लगता है और बहुत सारा पेन महसूस होने लग जाता है, कि जैसे ही ये जो जेल थी पहले कितनी जब फंक्शनल होती थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो कितनी दर्दनाक जो है यहाँ पे सज़ा मिलती होती थी जो कैदियों को, ठीक है। और बहुत सारे इंडिपेंडेंस एक्टिविटी जो हमारे इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट लाइक फॉर एग्जांपल बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, विनय दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर, वो सारे के सारे जो इतने महान शख्सियत हैं, जितने इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए इतना काम किया, तो ये सारी शख्सियत जो हैं यहाँ पे मतलब इनको जेल हुई है। और ये अब जो है हमारा नेशनल मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स की तरह हम इसको कम्प्लेक्स को ट्रीट करते हैं। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेलुलर जेल इज इन अंडेमान। नेक्स्ट क्या है, ये है विक्टोरिया मेमोरियल, ये कहाँ पे है, कोलकाता में। देखते हैं क्या है इसके फैक्ट। विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, इट इज़ बिल्ट टू कमेमोरेट द पीक ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यानी कि जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक के ऊपर था, यानी कि पूरा इस्टेब्लिश हो चुका था,
तब जाके ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। और ये विक्टोरिया मेमोरियल किसने बनवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। और ये कौन सी सिटी में है, कोलकाता सिटी के अंदर आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स है। लॉर्ड कर्जन ने उस टाइम पे वाइसराय थे और इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल जो है बनवाया। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, सर विलियम एमर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, सर विलियम एमर्सन जो हैं ये जो है आर्किटेक्ट थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है, चलो फिर भी आप बता दीजिए कि इस जो आई मीन टू से ये विक्टोरिया मेमोरियल है ये किस क्वीन की याद में बनाया गया है, ठीक है, किस की क्वीन की याद में बनाया गया है, तो बस एक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वैसे तो नाम से पता है बट फिर भी आप एक बार लिख दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्लियर। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, व्हेन द मून इज डायरेक्टली अबव द ओवरहेड यू विल फील वेटलेस, मतलब आपका जो वेट है वो कम महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पर्सन है, इसके ऊपर जो है सर के ऊपर क्या है, मून है। अब इस पर्सन का वेट इसको कम महसूस होगा, रीजन क्या है, अब जो ग्रेविटेशन फोर्स इसकी भी है, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ की भी है। अब क्या होता है कि जब इसके सर के ऊपर जो चंद्रमा आ जाता है, क्लियर, ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ की होती है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है, और इसकी जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो है इसका वेट कम महसूस होने लग जाता है, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर है और ग्रेविटी जो है अर्थ की कम हो जाती है। देखते हैं क्या है, जब भी मून के नीचे कोई पर्सन हो, यानी कि आपके ओवरहेड मून हो, तो आपकी वेट जो है आपको कम महसूस होगा। द रीज़न इज द ग्रेविटेशनल फोर्स मून की जो होती है वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली अबव reduces the gravitational force of the earth at a little, कहने का मतलब मून की gravitational force ज़्यादा होती है और अर्थ की कम हो जाती है as comparative, the reason क्योंकि जब ये ऊपर आएगा ना तो अर्थ की gravitational force है वो कम हो जाएगी, तो क्योंकि वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है, हम अर्थ के ऊपर अगर वेट मानते हैं तो एम इंटू जी इंटू ई, तो ये ग्रेविटेशनल अर्थ की जो है कम हो जाएगी, मून की जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। This is the reason weight force of gravity on the object reduces when moon is directly overhead. इसीलिए उस person का जो weight है वो कम हो जाएगा जब moon किसी भी object के ऊपर होगा। The reason is क्योंकि moon के जब जैसे ही ऊपर होता है किसी object के, तो earth की gravitational force को वो कम कर देता है और अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। तो this is very very important fact कि जब मून किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा उसका वेट कम हो जाएगा, द रीजन बीइंग अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगी। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हमने अपने जो पेड कोर्स है उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। द हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड, हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड, टाइड्स मतलब जो ऐसे ज्वार भाटा कहते हैं, तो ये हाइएस्ट टाइड जो है ये कहाँ पे आती है, बे ऑफ फंडी में, कहाँ पे, बे ऑफ फंडी में, तो बे ऑफ फंडी कहाँ पे है, न्यू ब्रंसविक एंड नोवा स्कोशिया के बीच में, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ये, कहाँ पे, हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन द कैनेडा एट द बे ऑफ फंडी विच सेपरेट न्यू ब्रंसविक फ्रॉम नोवा स्कोशिया, एंड इनमें लो टाइड और हाई टाइड का जो डिफरेंस होता है 16.6 मीटर होता है, यानी कि हाई टाइड इज दिस एंड लो टाइड इज दिस, इनमें जो डिफरेंस होगा वो 16.6 मीटर का होगा, तो इसका मतलब क्या है, हाई टाइड्स बहुत ज़्यादा हाई चली जाएंगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, आप देखेंगे दिस इज द मरकरी सर्फेस, ठीक है, ये क्या है, मरकरी, बुध ग्रह। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक क्रेटर्स हैं, ये क्रेटर्स हैं, क्लियर, ये जो है ना क्रेटर्स ही आइस के बने हुए हैं। तो आप कहेंगे कि जो सन है, सन तो बहुत नज़दीक है, यानी कि मरकरी जो है सन के बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आइस कैसे दिख सकती है हमें, रीज़न क्या है, देखते हैं। इवन दो इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, मरकरी हैज़ आइस इन इट्स क्रेटर्स, यानी कि मैंने जब कहा ना कि इसमें आइस है अभी भी, कैसे है, मरकरी इज़ स्लाइटली लार्जर दैन द अर्थ मून, यानी कि अर्थ के मून से थोड़ा सा बड़ा है मरकरी। मरकरी ऑर्बिट द सन, यानी कि मरकरी जो है सन के अराउंड चक्कर लगाता है, जो आपके डीप क्रिएटर्स कर जो डीप क्रिएटर्स होते हैं, ये वाले जो ये डीप क्रिएटर्स हैं, कई बार क्या होता है कि सन की जो लाइट होती है वो इनमें नहीं पहुंच पाती, जब सन की लाइट नहीं पहुंच पाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये बर्फ़ से ढक जाएंगे। द कोल्ड एरियाज हैव बीन स्टेबल फॉर अप टू बिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, और इसकी जो आइस है वो आइस मतलब इसके अंदर आइस जो है
कंजर्व हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, जो आपकी मरकरी के अंदर देखने को हमें मिलती है। तो आपको याद क्या रखना है कि मरकरी के अंदर भी आइस होती है, द रीजन बीइंग क्योंकि उसके अंदर क्रेटर्स हैं और क्रेटर्स के अंदर जो है सन की लाइट नहीं पहुंचती, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, उसके अंदर हल्की हल्की बर्फ जम जाती है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, ये क्या है, आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये धरती है इंडिया, मतलब कहीं पे है ये एक्चुअली क्या है, सैटर्न, शनि ग्रह। शनि ग्रह के ऊपर ये झील जो बनी हुई है ना, लेक्स एंड ये बने हुए हैं, ये पता क्या है, ये आपके नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस और ऑयल है, ये ऑयल और नेचुरल गैस है, ये सबसे ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। अब क्या होता है कि जो सैटर्न का मून है टाइटन, ये टाइटन है एक्चुअली, सैटर्न का मून जो है टाइटन, इसके अंदर हंड्रेड ऑफ टाइम मोर ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलती है देन द अर्थ। अर्थ से भी 100 गुना जो है टाइटन के ऊपर जो है नेचुरल गैस और ऑयल मिलता है। द रीज़न बीइंग क्योंकि हाइड्रोकार्बन रेनफॉल होती है स्काई से, जो आपके टाइटन के ऊपर गिरती है, जो आपके लेक्स और ड्यून्स के अंदर जो है जमा हो जाती है, और किस तरीके से ये जो है ऑयल वगैरह नेचुरल गैस वगैरह ऐसे यहाँ पे पड़े होते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन द टू डेज लेक्चर। बाकी जीएस कोर्स जो है मेरा लॉन्च हो चुका है, और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैलिडिटी है ये 15 जनवरी है, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो है कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना वीआईपी 500 का जो कोड लगाइए और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 2000 में कोर्स मिल जाएगा। बाकी आपको मुझे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरी जीमेल आईडी vipan.studyiq doubts लिख लेना, vipan.studyiq doubts@gmail.com। अगर आपका कोई भी डाउट आता है, चाहे आप पेड यूजर्स हैं, चाहे आप जो है फ्री वीडियोस देखते हैं, कोई भी हो तो इस आईडी के ऊपर अपने डाउट सेंड कर सकता है, vipan.studyiq doubts@gmail.com। सो थैंक यू सो मच गाइस।